हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड न्यू लेवल एडिशन फॉर 6 फरवरी, जिसके अंदर फाइनेंशियल निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है उसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा ओरिजिनल व्यू क्या था? हमारा ओरिजिनल व्यू था मार्केट में बेरिश फ्लैग का टारगेट आना, और मार्केट में बेरिश फ्लैग का टारगेट जो है 100% ऑलरेडी हो चुका है। मार्केट हैज गिवन फॉल फ्रॉम हियर। सेम लाइन यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ तो मार्केट ने एक्जैक्टली पिन पॉइंट जो 45.648 का टारगेट था, इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही, मॉर्निंग की पहली कैंडल के अंदर ही पूरा टारगेट दे दिया। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया। दिस साइडवेजनेस वॉज शेयर्ड इन एडवांस मेरे भाई, मंडे ट्यूजडे आपको लिख के दिया था। कल तो घनघोर पैसा खाने की दुकान हो गया, कल ऑप्शन सेलर का दे रहे, याद रखना। कहाँ मिलता है सब कुछ? ट्रेडिंग में तरुण के चैनल के ऊपर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यार कहीं तो नहीं यार, डेफिनेटली दे रखा है आपको ऑप्शन, हमने सेव भी कर रखा है एडवांस में, आपको पूरे हफ्ते की चर्चा करके दे रखी है। और अगर आप रियल मार्केट अपडेट चाहते हो तो भाई जुड़ जाओ, उसके अंदर से अच्छी सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाती है। 5 फरवरी यहीं कहीं दे रखा है, देखो फिबोनाची के कोड से पहले दिया था मैंने। अब ये रहा, ये रहा ज्ञान मोमेंट, इसको कर देता हूँ पिन, ठीक है? वो उससे क्या होगा, ये ऊपर ही आ जाएगा। ज्ञान मोमेंट प्रेडिक्शन फॉर 5th to 9th फरवरी, आपको तकलीफ नहीं होगी। यहां पर देखो क्या लिखा है, साइडवेज विद वन मूव ड्यूरिंग द डे, ठीक है? एक मूव आनी थी वो आई है, अपने आप देख लो। ज्ञान पावर, ज्ञान लेवल्स की पावर, ठीक है? मूवमेंट क्या बोली थी, साइडवेज देन विद वन मोमेंटम, वन मोमेंटम आपको देखने को डेफिनेटली मिला है, ठीक है? उसके बाद में 6 सुपर साइडवेज, छुट्टी वाला दिन फॉर ऑप्शन बायर। भाई कल का दिन तो है, तो मैं छुट्टी करने वाला हूँ, मैं अवेलेबल नहीं होने वाला हूँ। 7th फरवरी साइडवेज में वन मोर, जैसा आज का दिन है मोस्ट ऑफली 7th फरवरी भी आपका ऐसा रहने वाला है। जो 8th है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज इट इज ट्रेंडी। एडवांस में फॉलो, इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देख लेना भाई, भाई के नाम से कैसे लगता है। और ट्रेडिंग तो उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, अगर नहीं जुड़े तो वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहती है। फ्लैग का टारगेट आ गया, ठीक है? लेवल्स ने अच्छे तरीके से काम किया, मैंने आपको लेवल्स ये इन्फॉर्मेशन वीकली एनालिसिस में ऑलरेडी दे दी थी, ठीक है? चलती मार्केट के अंदर भी भाई ने क्या किया था, भाई ने भाई आपके अपडेट दे दिया था ऑलरेडी। कहाँ दिया था मैं आपको बताऊं तो, ठीक है? ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन भेजी थी मैंने आपको, ये वाली, दिस मैंने बोला था 45635 इज द पेंडिंग टारगेट फॉर बैंक निफ्टी डाउन साइड फॉर टूडे, हाई चांस इट विल टच दैट टूडे, ठीक है? जितने लोगों ने कल फिबोनाची मास्टरी अटेंड किया है गाइस, काफी लोगों के मैसेज आए, सर आपने बिल्कुल बताया जो है, ये पार्ट 2 अगर आप यूज करते हो, और जिसने फिबोनाची का पार्ट 2 यूज करके देखा हुआ है उसमें आपको पता है कि सेम डे के अंदर आपको जो है टारगेट आ जाता है, अगर पेंडिंग होता है तो सेम डे में आपको मिल जाता है, करेक्ट? सेम डे में मिल जाता है। नहीं आता है तो कितने दिनों में आता है, 3 डेज के साइकिल में चला जाता है, ठीक है? मैक्स 3 दिनों, अगले 3 दिनों के अंदर वो अचीव हो जाता है, लेकिन सेम डे में आपको उस दिशा में एक मोमेंटम जरूर मिलता है। तो आपको ये अपडेट के बाद में अगर आप बैठे होंगे, मैंने आपको एक लाइन खींच के दी थी, एकदम बना के दी थी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन में टूटती है तो एक मोमेंटम आपको अच्छा खासा मिलना चाहिए, ठीक है? ये मोमेंटम वाली लाइन कहाँ आई, ठीक है? कहाँ आई, ये किधर, ये देखो, ये वाला आपको भेजा था, ये शीट पूरी है, पेंडिंग टारगेट यहां पर दी थी। ये लाइन टूटने के बाद भी अगर आप बैठे हो तो भाई नीचे की तरफ जो पहले 2 टारगेट है, ये देखो कितने पैसे, 180 पॉइंट्स, कम नहीं होते मेरे भाई, 180 पॉइंट्स भी कम नहीं होते भाई। तुझे क्या हो गया, अगर अब मैं नीचे टोटल टोटल देखूं, जहां से विक बनाई है कितने पॉइंट गिरा, तो 200 पॉइंट के आसपास है, लेकिन 180 पॉइंट ये सपोर्ट लेवल था, 45744 का पहला टारगेट था, ये हो गया। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज जाती ना, बारिश की तरह गिर जाता, झरने की तरह बह जाता, क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, बड़े तगड़े तरीके से गिरता था ये मार्केट में। जैसे ये 2 बड़ी कैंडल बनी ना, नीचे आते वक्त भी ऊपर जाते वक्त भी, ये मार्केट आराम से नीचे की तरफ ये जो टारगेट है देखे जाता। बट 45,630 एक पेंडिंग टारगेट आज का जो छोड़ के गया है, मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से गैप डाउन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका फेवरेट कोर्स जिसने एक टाइम पर आपको बहुत ज्यादा पैसे बना के दिए गए, कौन सा, संजीवनी स्ट्रैटेजी, कब काम करता है, जब आपकी इंडिया विक्स 15 या 16 से ऊपर चल रही हो तब काम करता है, और काफी दिनों से काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया विक्स 15 16 के ऊपर थी नहीं, ठीक है? लेकिन इसके हिसाब से बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी, सेंसेक्स, सबने गैप डाउन का इंडिकेशन दिया है, तो मोस्ट पब्लिक कल गैप डाउन होना चाहिए। और अगर गैप अप भी होता है तो भी मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगी अपने आज के लोस को टच करने के लिए।
अगर मैं एचडीएस निफ्टी को देखता हूँ, अभी 50 पॉइंट ऊपर था, रिफ्रेश करते हैं तो अभी 9 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है, वो देखेंगे क्या होता, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बैंक निफ्टी वॉज मोर वीकर आज, अगर आप मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पर देखेंगे भी तो मार्केट लाल दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी ओपन हुआ ग्रीन काफी बड़े नंबर में, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भाई लाल था, लेकिन आज दोनों लाल कुछ जो है वो क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो एक बार नीचे के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, ये पेंडिंग टारगेट बचा है, ये देखना है, ये डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। यहां पर चल के देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली कैंडल देख लेंगे, यहाँ पर डेली कैंडल देखने की अगर हम कोशिश करें तो गाइज यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल, स्पिनिंग टॉप बना है, स्पिनिंग बॉटम बना है, रेड कैंडल के बाद आया तो मोस्ट प्रॉब्ली रिवर्सल का साइन जरूर हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, तो विच इज अ नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको देखने वाली है वो ये है, गैन रूल एक्टिवेटेड है और फ्राइडे से पहले मार्केट निफ्टी 22,128 125 का हाई है, शायद 125 का हाई है, 22,125 ये इसका हाई था, ये हाई टच करने की, क्रॉस करने की कोशिश करेगा बाय फ्राइडे। तो काफी लोग पूछ रहे थे, अगर आपको यार, अगर आप कंसोलिडेशन क्लोजिंग को चेक करते हो ना, सुबह 500 पॉइंट के आसपास गैप अप हो रहा था मार्केट जब कंसोलिडेशन शुरू हुई थी, वो अमाउंट घटते 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 गैप अप थोड़ा 50 60 70 पॉइंट का हुआ है, लेकिन 500 पॉइंट दिखा रहा था वो, दैट शोज वो अदृश्य पावर कौन सी है, वो अदृश्य शक्ति है ज्ञान की, जो इसको इस लेवल तक ऊपर तक लेके आ रहा है। इसके हाई एक बार टूटना चाहिए एज पर ज्ञान रूल, ठीक है, बाय फ्राइडे। तो एक दिन तो चला गया, हमने पावर देखने की कोशिश की, मार्केट ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, विच इज नेगेटिव साइन फॉर श्योर, बट आप ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ज्ञान रूल अभी भी एक्टिवेटेड है, और ज्ञान रूल की जो एक्यूरेसी परसेंटेज है 80% के आसपास है, ठीक है, और ये अक्सर काम करता है, और ये डबल कंफर्मेशन कब देता है, जो दोनों इंडेक्स ज्ञान रूल को बनाती है, तो भाई एक्यूरेसी परसेंटेज 95 तक चली जाती है। अभी फिलहाल ये सिर्फ निफ्टी के अंदर एक्टिवेटेड है, बैंक निफ्टी के अंदर एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन रूल इज रूल और इन दोनों के दोनों एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं कि मार्केट में छोटे लेवल पर क्या हो सकता है, यहां पर आ जाए तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई एनालिसिस, ठीक है। ये गाइस अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, ये हाई फाई सेटअप है, क्या ये हाई फाई सेटअप है, कल जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड की थी, ये हाई फाई सेटअप है निफ्टी के अंदर, मैं दिखा दूं, ये देखो ये हाई फाई सेटअप है, और ये 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, हाई फाई सेटअप है। इसका फर्स्ट टारगेट इज 21,719 के आसपास, जो ऑलमोस्ट आते आते रह गया आज, ठीक है, ऑलमोस्ट ये तो आएगा मिनिमम, ये तो आता ही है, आपको पता है कल आपने अटेंड किया वर्कशॉप, ये तो आता ही है। तो मार्केट वहां से गिरा है, इसका नीचे की तरफ के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 21,600 तक के हाई फाइव के सेटअप, जो आपको कल दिखाया था, यहां से मार्केट गिरी थी, यहां से मैंने यहां लिया है, तो अगर आपने ये देखा होगा कि मार्केट ने ये फॉल पुल बैक और यहां से नीचे की तरफ मार्केट अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। मिनिमम 1:5 आपको देके जाएगा, ये 1:2 कितने का है, 1:7 का है ना, तो मिनिमम 1:5 तो आएगा, 1:5 कहाँ आ रहा है, 1:5 इस रेड लाइन तक ही आ रहा है मेरे ख्याल से, या दे दिया है, अरे 1:5 तो आ गया है, देखो मिनिमम 1:5 देता है वो, मैंने 1:5 ऑलरेडी दे चुका है, बट मेजरली जो फुल टारगेट है वो इसके हिसाब का है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे के लेवल्स हैं, ये गैप जो था ये फिल करना था, क्या ये गैप फिल हुआ है, ऑलमोस्ट उस गैप के आसपास ही आया है, ये जो गैप इसने बनाया था वो गैप इसने फुल कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये एलियट वेव है ना गाइस, तो ये इसके इवेंचुअली इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इस जोन के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये भी बात है कि अगर ये एलियट वेव है जो हमने बनाई है, मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जो जोन है ना यहां से ऊपर तो गया था, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। एक बार एलियट वेव देखिए इसके अंदर क्या, कंप्यूटर की एलियट वेव क्या बोलती है, एलियट वेव पैटर्न, अच्छा ये कुछ और ही बोल रही है, ये बोल रही है कि मार्केट ने ये पहला बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, ये चौथा बनाया, और ये फिफ्थ वेव थी, अब ये ए बी सी बना दिया इसने, ओके ये कुछ और ही कहानी बोल रहे, ठीक है। हम क्या नोटिस करके चल रहे थे कि मार्केट ने यहां से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये कुछ अजब ही अलग ही हो गया, बट यहां पर कंप्यूटर क्या बना के दिखा रहा है हमें, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये थर्ड वेव है,
जो इंपल्सिव निकली, फोर्थ वेव नीचे की तरफ आई और ये फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड हो गई। तो और यहाँ पर एबीसी का करेक्शन भी हो चुका है, यहाँ पर एक नया शुरू होगा। ये एबीसी का करेक्शन हो गया है तो यहाँ पर नया ट्रेंड शुरू होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या करता है। फिलहाल इफ एंड देन मॉडल पे काम करेंगे गाइस। मार्केट के अंदर नीचे के लेवल थोड़े से पढ़ेंगे और निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल पढ़ेंगे। और ये डाइवर्जन जब भी होते हैं तो मार्केट में छोटी पोजिशन बनाना ही अच्छी बात होती है, उसके हिसाब से आप लेआउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लेवल्स क्या बनेंगे, कहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, जोन बना के दे रहा हूं मैं आपको। इक्कीस 650 के नीचे अगर मार्केट निकलती है कल, 21,500 की लिए सेल का पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो, ये नीचे की तरफ आ सकता है। बाय कहां करना है आपका, ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, बाय इसके ऊपर ही बनता है। मार्केट जब इसके ऊपर निकलती है तब आप बाय करना। लेकिन मुझे लगता नहीं कल की पूरी मार्केट ना इसके बीच में रह जाने वाली है, इसके बीच में, बाकी देख लेना, बाकी साइडवेज बहुत है। कल जितने भी लोग हैं अगर जो सेलिंग करते हैं स्ट्रैडल बना के देख लेना, आपको अच्छा मुनाफा मार्केट दे सकती है, क्योंकि कल सेलर का दिन है मार्केट मार्केट के अंदर। ठीक है, सेलर का दिन है, ज्यादातर ऑप्शन बायर के हाथ में कुछ ज्यादा बड़ा कुछ आने वाला नहीं है। अगर कोई एक ही तरीका है जिसके थ्रू पैसा बन सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, ना बड़ा गैप अप हो ना बड़ा गैप डाउन हो, मतलब निफ्टी 30 पॉइंट के अंदर और बैंक निफ्टी 50 से 60 पॉइंट के अंदर ओपन होती है, ये फ्लैट होती है, तो ही मार्केट आपको ड्यूरिंग द डे ट्रेंडी थोड़ा सा ट्रेंड दिखा सकती है। अदरवाइज भूल जाओ भाई, कल कुछ होने वाला है। बट ये जोन मैं आपको जो दे रहा हूँ बस यही जोन है निफ्टी की, इसकी ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल, ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाफ एन आवर के चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इसने एक और पैटर्न बनाने की कोशिश की है, ये पैटर्न क्या है, बेरिश फ्लैग, ये और ये। द गुड पार्ट इज, जो पॉजिटिव पार्ट ये है कि मार्केट ने इसके बेस को नहीं तोड़ा है, तो इसके बेस को एक जोन बना लो, ये जोन है, ठीक है, ये बुलिश जोन है, सपोर्ट जोन है। कल के दिन अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देती है तो भाई बैंक निफ्टी में तैयारी कर लेना खींच के, बैंक निफ्टी शहीद होने वाली है थोड़ा थोड़ा सा टाइम के लिए। ये इसका ऊपर का लेवल है मार्केट में आपको एक ट्रेंड मिलने वाला, मार्केट यहां तक आनी चाहिए। बीच में एक डिटोर लेवल क्या है, ये सपोर्ट का लेवल है। तो ये लेवल बन गए किसके, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर। मैं जो रेंज वाले लेवल नहीं दे रहा हूँ मॉर्निंग में आपको, अगर मैं ट्रेड करता हूँ कल तो आपको दे दूंगा, वरना आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करके निकालना है। ये नीचे की तरफ के लेवल्स हो जाएंगे और ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट 46,095 के ऊपर निकलती है, तो बाय की पोजिशन में बैठने का सोचना आपने। ठीक है, ये आपका ऊपर का लेवल हो जाएगा और ये फाइनल लेवल ऊपर की तरफ। भाई कुछ तो गड़बड़ है मेरे, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गई, बाकी नीचे की तरफ के सपोर्ट हो गए। ठीक है, ये ऊपर के लेवल क्या निकल के आ जाएंगे, ये वाले हैं आपके, सिंपल है, पता मुड़ के चार्ट पे 46,584 और 46,817, बिकॉज निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, अब दो सिनेरियो यहां बनते हैं, इफ एंड देन मॉडल। अगर ये नीचे की तरफ ये वाला लेवल तोड़ता है तो ये बेरिश फ्लैग है, नीचे की तरफ आ जाएगा, यहां पर आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो दिस विल बी अ डब्ल्यू पैटर्न, विच इज अ रिवर्सल पैटर्न। 46,800 तक आराम से ऊपर की तरफ ही निकल सकता है, लेकिन वो पोजीशन कब बनेगी, जैसे ही आपकी कोई भी हाफ एन आवर की कैंडल, 15 मिनट की दो, 5 मिनट की एक, हाफ एन आवर की एक, 46,94 के ऊपर क्लोज होती है, तो ही आप उसकी पोजीशन में बैठना। ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट जो है कल बैंक निफ्टी इस जोन में रह जाने वाली है मैक्सिमम। हालांकि उसके ऊपर वाली जोन लगती है मेरे को इसी जोन में रह जाएगी, इस वाली जोन में, लेकिन अगर नीचे भी आती है तो इसी जोन के अंदर रह जाएगी। और मोस्ट लाइकली अगर मार्केट को बड़ी मोमेंटम देनी है ना तो एक तरफ ट्रैप करके जाएगी, मतलब हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आए, यहां से एक कैंडल बनाए,
और उसके ऊपर ना जाए, फिर एकदम नीचे की तरफ फॉल दे दे ट्रैप करके बायर्स को, या मार्केट नीचे की तरफ आए यहाँ पर एक कैंडल बनाए सेलर को ट्रैप करके ऊपर की तरफ आ जाए। तो आइदर ट्रैप मुझे ज्यादा लग रहा है इनके इनके बारे में, जेन्युइन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, तो उसके ऊपर आप नजर बना लेना। दूसरी चीज 80 to 90%, 80% मान के चलो आपको कल मिलेगा गैप डाउन, मिलना चाहिए गैप डाउन एज पर संजीवनी स्ट्रेटजी। और अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है तो आप खुलते के साथ, मतलब मैं पर्सनली खुलते के साथ में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन जरूर बना लूंगा साइडवाइज होने के बावजूद, क्योंकि मार्केट अगर मान लो यहां पर ओपन होता है ना, जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है उस प्राइस तक वो डेफिनेटली नीचे की तरफ एक बार आना चाहिए। कल वेडनेसडे नहीं है लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर गैप बनता है, गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है तो गैप फिल होने के चांसेस 70 to 80% है कि कल गैप फिल हो जाएगा अगर गैप बनता है तो, अदरवाइज गैप डाउन होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, 33 पॉइंट्स देखो प्लस चल रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं इसको देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बोल रहा हूँ। जो संजीवनी स्ट्रैटेजी बोलती है कि गैप डाउन होना चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर हमेशा वर्कआउट करता हूँ। अगर मैं इंडिया विक्स देख लूँ, एक बार डबल चेक कर लेते हैं, इंडिया विक्स 15 के ऊपर है, संजीवनी ने एंट्री दी है, संजीवनी अगर कल फेल होती है तो आपको बता दूंगा हाँ सर फेल हो गई, लेकिन संजीवनी के हिसाब से कल गैप डाउन होना चाहिए, और अगर गैप अप होता है तो भी संजीवनी स्ट्रेटजी के रूल फॉलो करते हुए मार्केट को एक बार नीचे आकर प्रॉफिट देना चाहिए जितने लोग पुट लेके गए हैं संजीवनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। और अगर वो फेल होती है तो उसकी अपडेट भी मैं आपको वीडियो के एनालिसिस में दे दूंगा जो कल की वीडियो बनेगी, ठीक है। ये लेवल्स हो गए, फटाफट चल के देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। तो डेटा भी मैं ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था इसलिए लेट वीडियो बनाया मैंने, समझो तो बात ये साफ भी है, नहीं समझो तो राज भी है, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पर देख लेते हैं इस डेटा क्या बोलता है। अरे भाई डेटा तो बहुत अच्छा है, डेटा बहुत अच्छा है, 268 से 271 बुलिश, 5 लाख 6,000 भाई बुलिश पोजिशन, नेकेड नेकेड बुलिश पोजिशन लेके गया है रिटेलर सामान का अंदा ग्रीन, ठीक है। प्लस 149 यहां पर भी है, बुलिश है ये तो, बहुत बुलिश है, वेरी बुलिश रिटेलर। और मार्केट अगर रिटेलर को फेवर करती है, जो कर रही है गैप अप और गैप डाउन के अंदर, कल आपको एक गैप अप दिखना चाहिए, डेटा के हिसाब से गैप अप होना चाहिए। क्यों, रिटेलर ये पोजीशन के हिसाब से, आपको पता है कि रिटेलर की पोजीशन के हिसाब से गैप अप और गैप डाउन हो रहे हैं पिछले 3 4 महीनों से लगातार। और यहां पर जो प्योर ग्रीन देख रहे हो, प्योर ग्रीन देख रहे हो, यहां पर लगभग लगभग 150 1.5 लाख, और यहां पर 5 लाख, 7 लाख, 6.5 7 लाख के आसपास आपकी प्योर बुलिश पोजीशन बना के गए हैं, बेयरिश पोजीशन नहीं है। और मार्केट रिटेलर को फेवर करती है तो गैप अप बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये देखो 72,000 से 1,85,000, ये एक बड़ा नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहे हैं। और यहां पर देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, 18,000 से जो पुट खरीद रखी थी 10,000 माइनस में आ गए हैं। इसका क्या मतलब है, यहां से तो थोड़े बुलिश हो गए, यहां पर बेरिश हो गए। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो सेलिंग कब होती है, जब मार्केट में स्लो मोमेंटम एंटिसिपेटेड होता है, ठीक है। मार्केट में जब स्लो मोमेंटम, मेरा मेरा व्यू है कि मार्केट गिरेगी लेकिन ना एकदम से नहीं गिरेगी, धीरे धीरे गिरेगी, तो ना मार्केट सेलिंग करके जाता है, सेल करके जाता है। लेकिन अगर मार्केट को, मेरा व्यू है कि मार्केट गिरेगी और तेजी से गिरेगी, तो क्या होता है, मार्केट नेकेड बाय की जाती है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स के द्वारा। यहाँ पर रिटेलर ना नेकेड बाय करके गया है क्योंकि एक जंप देख रहा है गैप अप और गैप डाउन में, या जैसे भी, एक बड़ा अच्छा जंप दे रहा है। यहां पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो जो FIA है, नॉर्मली ये बाइंग करता है, इसका पुराना डेटा जाके देखना ना, ये सिर्फ बाइंग में कहता है, इसने 1,85,000 यहां पर कॉल शॉर्ट कर रखी है, इसका मतलब ये मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है, विच इज ऑल्सो प्रूविंग कल का दिन साइडवेज हो सकता है। साथ के साथ यहाँ पर 1,99,000 के अलावा प्रोज ने 3,21,000, विच इज 3,21,000 का पोजिशन बनाया, और यहाँ पर 1,35,000 इनका प्योर बेरिश बेरिश स्टांस है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूं रिटेलर की बात करूं तो ये है सुपर बुलिश, FII मैं बोलूंगा नॉर्मल बेरिश है, ये बेरिश है, ठीक है, ये साइडवेज टू बेरिश है वैसे तो, लेकिन मैं बेरिश लिखूंगा। और जो प्रोज है ये सुपर बेरिश है, सुपर बेरिश है। तो इसका क्या हो सकता है, अगर मार्केट एक गैप अप देता है तो ये जो स्मार्ट मनी है मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ सकती है, नीचे की तरफ गिरा सकती है।
ये हो रहा है, लेकिन डेटा के हिसाब से भाई गैप अप बता रहा है, क्योंकि रिटेलर ने एक बड़ी बुलिश पोजीशन को कंस्ट्रक्ट किया है, निर्माण किया है, और यहाँ पर वो एक्सजेएस निफ्टी भी कंफर्म कर रहा है। बट एनीवेज हमारा संजीवनी स्ट्रेटजी अभी भी क्या बोल रहा है, गैप डाउन होना चाहिए, नीचे के टारगेट पेंडिंग है, मार्केट जैसे भी प्ले आउट करेगी उसको देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के अंदर एक और जो चीज लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे थे वही है, ये क्या है गाइस, ये देखो, ये शोल्डर, ये हेड और ये एक और शोल्डर, ये प्योर एक हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक का कंस्ट्रक्शन है। सेम चीज गोज गाइस 45,615 के ऊपर मार्केट गिरती है, एक बार गिरने के बाद रीटेस्ट और उसके बाद में नीचे के लेवल, ये सेम टारगेट निकल के आता है। तो अगर आप इसको एक हेड एंड शोल्डर के रूप में भी देख रहे हो तो भी आपका बेरिश फ्लैग और ये दोनों कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं एकदम साथ में, और जब ये वाला पैटर्न बनता है तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो वॉच आउट करना, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो मुझे लगता नहीं कि ब्रेकडाउन देगा, ये साइडवेज रहना चाहिए, गैप अप दे के नीचे आके यहाँ पे इसी में ही साइडवेज रहे पूरा दिन, और वेडनेसडे या थर्सडे, वेडनेसडे को मोमेंटम मिले वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एक ही तरीके से आपको मोमेंटम मिल सकता है, कब, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट का क्या मतलब है, निफ्टी 30 पॉइंट के अंदर ऊपर या नीचे खुल जाए, और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट से 60 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल जाए, मतलब या तो ग्रीन या तो पॉजिटिव, 50 से 60 पॉइंट, ज्यादा नहीं, वो फ्लैट है। जैसे आज -8 पॉइंट खुला था बैंक निफ्टी, ये फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग है। तो फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो मोमेंटम मिल सकता है, अदरवाइज कल का दिन एक घनघोर साइडवेज मोमेंटम रहने वाला है, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा था एनालिसिस गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, आई होप यू लाइक इट। ठीक है, साथ के साथ चलते हैं फटाफट अपने सेगमेंट में, जहां पर हम आपको आपके फेवरेट स्टॉक की एनालिसिस की इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, कंटेंट चेक कर लेते हैं, कल लास्ट वीडियो के अंदर किस फ्रेंड्स ने अपने कमेंट करके बताया। अगर आप भी किसी किसी स्टॉक का एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सबसे पहला कमेंट कल किया था सलमार, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम माई फ्रेंड, बट आपने मैसेज किया, टाटा स्टील लॉन्ग टर्म होल्ड कर ले मेरे भाई, बहुत अच्छे पैसे देख जाएगा। ठीक है, टाटा स्टील होल्ड करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टील सेक्टर ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा बाय है, सेल जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छे निकलने वाले। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो भाई होल्ड करके रखो, जिन्होंने यहाँ पर भी बाय किया था 102 के आसपास, वो भी 141 के आसपास चले गए, 100 रुपए में बाय करने को बोला था, मैंने बोला था होल्ड करके रखना 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में, जो होल्ड करके बैठा है बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा निकलेगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा, ठीक है, होल्ड कर लेना। लॉन्ग टर्म की अगर आप पूछ रहे हो तो 2 साल के लिए अगर आप लेके चल रहे हो तो इसका 400 का टारगेट लेके चलो, 2 साल के अंदर, ज्यादा नहीं, 1 साल में भी आ सकता है, मैं 400 400 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ आपको, और बोलो, ठीक है। अब ये मत पूछना स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को पता है, मेरे को ऑलरेडी पता है, इसके टारगेट मुझे मुंह जबानी याद है, जैसे मैं इंडसइंड बैंक 3,000 का टारगेट देता हूँ इस ईयर के एंड तक, इंडसइंड बैंक इस ईयर एंड तक दिसंबर से पहले पहले आपको 3,000 तक के लेवल को छू कर आ सकता है, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि ये भी 2 साल के अंदर अंदर आपको 4,400 के लेवल को दिखा सकता है, ठीक है, और ये हमने करके भी दिखाया है, ये वाली पूरी रैली कैप्चर की है, वो भी कैप्चर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने गाइस वीडियो के अंदर कमेंट किया था, लेकिन उतने भी नहीं किया था, 10 15 लोगों ने मैसेज किया है आरएसआई की वीडियो, अगर आपको आरएसआई की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे यार 30 से 50 कमेंट भी आते हैं कि आपको आरएसआई की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, जिसको यूज करके मैं अक्सर काम करता हूँ और बहुत अच्छे से काम करती है, तो मैं वीकेंड के ऊपर जो लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ वीकेंड पर, मैं उसके अंदर आपको आरएसआई की वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, अगर मुझे 30 से 50 कमेंट आते हैं तो मैं करूंगा, दैट मीन्स अगर यार आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो सीखने के लिए तो मैं जबरदस्ती तो नहीं सिखा सकता ना, तो अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो सारे लोग वीडियो देखते हैं कमेंट कर दीजिए, जैसे कि हमारे भाई ने वीडियो वरुण वरुण ने कमेंट किया है कि डेफिनेटली आरएसआई के बारे में बताइएगा, देवशीष ने किया है और आरएसआई के बारे में, चौहान, महेश चौहान ने किया है आरएसआई ने, आरके टीपी की 5113 ने किया है, आशीष ने किया है, ज्यादातर लोगों ने किया है, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक स्टॉक और ले लेते हैं, किसी का देख लेते हैं, सबने आरएसआई की बात की है, पर एनआरडी पूछते हैं योर व्यू ऑन लक्ष्मी केमिकल्स, LAXMI, लक्ष्मी केमिकल्स,
ऑर्गेनिक आ रहा है भाई, केमिकल किधर है? यही है ना, लक्ष्मी एकेडमी केमिकल्स। शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, कुछ मैंने लिखा आपने? देखो ये ना, लॉन्ग टर्म बता रहा हूं आपको, मार्केट ने एक क्या दिया, राइज दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक डिप मारा। अब मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। इस कंसोलिडेशन को करते हुए अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो ये पैटर्न बन जाएगा कौन सा, RDCB, इसको हम बोलते हैं रैली ड्रॉप बेस रैली। प्राइस एक्शन अगर आपने पढ़ा है, कोई किताब पढ़ी है, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा रैली बेस रैली। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, यहां पर इसको मार्क करना है आपको ये लेवल, और नीचे की तरफ मार्क करना है ये लेवल। ठीक है, मार्केट इस लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म में जैसे ही कोई कैंडल मंथली क्लोज करती है 325 के ऊपर, इट्स अ बाइंग डिसीजन, और यहां पर लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनेगा। स्टॉप लॉस आपका बड़ा है, ऑफ कोर्स नीचे बड़ा है, यहां तक का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपका टारगेट जो है 1:2 मिलेगा। ये आपका टारगेट आएगा ऊपर की तरफ। ये कैश इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वो होगा, लेकिन ये डेफिनेटली बाय बनता है। 325, 218 का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ देखोगे तो ये करीब करीब 500 के लेवल तक जाना चाहिए, 530 तक के लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है, ऑफकोर्स ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो एक दो दिन, एक हफ्ते, 4 हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर ये नहीं आएगा टारगेट, इट विल टेक लिटिल टाइम, बट ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए एक तरीके से, 530 के आसपास। ठीक है, सो दिस वॉज योर स्टॉक्स गाइस। इफ इन केस यू ऑल्सो वुड लाइक टू नो दी इंफॉर्मेशन अपने स्टॉक के एनालिसिस के बारे में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने एनालिसिस को देख सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। उससे जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, और लाइव मार्केट अपडेट के लिए आपको क्या करना है ऑलरेडी पता है, जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।